गाइस, मेरा सर बाहर निकल चुका है और फिलहाल आप देख सकते हो मेरा सर निकला हुआ है और मेरा पेट सब अंदर है और सर मेरा बाहर आ चुका है। अब मुझे हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आज मैं इस ब्लॉग के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि अगर आप एक नए इंजीनियर हो तो आपको साइट पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मैं अभी जो जहाँ पे खड़ा हूँ वो एक फाउंडेशन का काम चल रहा है। किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले उसके फाउंडेशन को बनाया जाता है और फाउंडेशन कैसे अच्छे तरीके से बनाया जा सके उसके लिए किस किस बातों का ध्यान रखा जाता है, आज मैं सारे बातों को डिटेल तरीके से आपको बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे कैसे काम होता है। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे एक 1.2 किलोमीटर का ब्रिज बन रहा है, मतलब लगभग 1200 मीटर का ब्रिज बन रहा है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा सामने में कितने सारे पिलर खड़े हो चुके हैं, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का पिलर खड़ा हो रहा है। और उसी तरह हमारे पास अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे एक और इसी तरह का फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है जिसके ऊपर पिलर को खड़ा किया जाएगा। तो मैं नीचे जाऊँगा और इसमें सारे कुछ जो भी इसमें यूज किया जा रहा है, जो भी टेक्निक यूज किया जा रहा है या फिर जो भी इंजीनियरिंग वर्क और इंजीनियरिंग मटेरियल को यूज़ किया जा रहा है, सारे चीज़ों को मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि एक अगर आप एक नए इंजीनियर हो तो आपको किस किस बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए नीचे चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं सारे चीज़ों को एक एक करके। मैं आ गया हूँ इस नीचे उस फाउंडेशन के ऊपर और मैं अभी आपको ऊपर से दिखाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमें इस बॉक्स के नीचे, इस जाली जो बना हुआ है इसके नीचे जाना पड़ेगा और फिर मैं अंदर से आपको सारे कुछ को अच्छे से दिखाऊंगा कि एक्चुअली कैसे कैसे अरेंजमेंट किया गया है इसमें और क्या क्या इसका फीचर्स हैं। तो इसमें हमको नीचे जाने के लिए इसमें एक्चुअली बांध दिया गया है ऊपर से, जगह ढूंढना पड़ेगा। तो हाँ, इन लोगों ने नीचे जाने के लिए लेबर जो काम करते हैं यहाँ पर जगह बना के रखे हुए, इसके थ्रू मैं नीचे जाऊंगा और फिर मैं नीचे आपको जाके दिखाता हूँ कि कैसे किया गया है। फ्रेंड्स देखिए, मैं नीचे जा रहा हूँ, इसके कितना मुश्किल है घुसना इसमें। फिलहाल ट्राई कर रहा हूँ घुसने का इस छोटे से छेद में और फाइनली मैं इसमें घुस गया हूँ। अब मैं अपने सर को इसमें घुसाना है इस छोटे से जगह में। अब देखता हूँ कैसे घुस पाता हूँ इसके अंदर। ओ भाई साहब, फाइनली इसमें मैं घुस गया हूँ अंदर और इसके अंदर मेरा आवाज़ भी गूंज रहा है, बिल्कुल लग रहा है जैसे मैं कहाँ पर आ गया हूँ। एक्चुअली इसका जो हाइट है ना वो बहुत ज़्यादा हाइट है, 20 का जो मिडिल का पोर्शन जो आपको दिख रहा होगा सामने में, इसका हाइट 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर उस इस जो हाइट है ना सामने में जस्ट, ये 2.5 मीटर का है। और किनारे में जो ये हाइट आपको दिख रहा है सामने में जहाँ से मैं घुसा हूँ, किनारे में इसका जो हाइट है वो है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर का है। तो आपका इसको और इसका डायमेंशन जो है कितने बाई कितने का है, तो 11.5 मीटर का ये टोटल फाउंडेशन इसका तैयार किया जा रहा है। समझ सकते हो आप कितना बड़ा इसके ऊपर कितना वेट आने वाला है। इस फाउंडेशन के डायमेंशन और हाइट को आप देख के समझ सकते हो। तो चलिए आप शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले दिखाता हूँ ये बॉटम बार का जो फिक्सिंग किया गया है, ये हमको ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये और ये है बॉटम बार है। 32 mm का जो है डायमीटर का जो स्टील को यूज़ किया गया है बॉटम के लिए। और उसके बाद जो आता है ये दो सरिया के बीच का स्पेसिंग, ये इसका स्पेसिंग जो है 100 mm का है, 100 mm का स्पेसिंग रखा गया है और 32 mm का सरिया यूज़ किया गया है बॉटम में। उसके बाद जो आता है वो आता है टॉप बार के लिए। तो टॉप के लिए आपको दिख रहा होगा ये सरिया जो लगा हुआ है, ये 20 mm का यूज़ किया गया है इसमें टॉप के लिए। और बॉटम में सबसे पहला जो सरिया होता है, ये जो सरिया है इसको हम लोग बोलते हैं मेन बार, और उसके ऊपर जो सरिया ये लगा हुआ है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। लेकिन ऊपर में टॉप में ऊपर का क्या हिसाब रहता है, इसका अपोजिट रहता है। पहले रहता है डिस्ट्रीब्यूशन बार, देन उसके बाद ऊपर में मेन बार होता है। ये रहा ऊपर का क्या है, नीचे का तो पहले रहता है मेन बार फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार, लेकिन इसमें पहले ये जो दिख रहा है ये है डिस्ट्रीब्यूशन बार और इसके ऊपर जो सरिया दिख रहा है ये है मेन बार। और ऊपर का भी स्पेसिंग जो है वो भी सेम है, 100 mm का स्पेसिंग है, कहीं कहीं थोड़ा ज़्यादा कम दिख रहा होगा लेकिन इसमें 100 mm का स्पेसिंग रखा गया है। फ्रेंड्स आपको जो दिख रहा है ये ऊपर से नीचे तक ये जो सरिया दिख रहा होगा जो आगे ऊपर से कनेक्ट होते हुए नीचे की ओर आ रहा है, इसको एक्चुअली बोलते क्या हैं, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं लिंक बार।
और इसको लिंक बार क्यों प्रोवाइड किया जाता है किसी भी फाउंडेशन में, तो लिंक बार के थ्रू हम लोग शेयर स्ट्रेस को रेजिस्ट करते हैं। जो शेयर स्ट्रेस लगता है हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण, उसको रेजिस्टेंस देने करने के लिए हम लोग लिंक बार का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ और, ये जो आपको बीच बीच में दिख रहा है, ये जो दोनों दो सरिया दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग चेयर बोलते हैं। इसका भी काम ये है कि ऊपर से जो ये इसका जाली जो आ रहा है उसको एक अपना फ्रेम में रखने के लिए और वो दबे ना स्ट्रेस से बचाने के लिए इस चेयर का भी हम लोग यूज़ करते हैं। एक ख़ास बात और जो कि अधिकतर कॉन्ट्रेक्टर जिसमें फाकी मारते हैं, वो है कि वो जो ये बाइंडिंग दिख रहा है आपको, प्रॉपर दिख रहा है इसमें, तो आपको प्रॉपर बाइंडिंग दिख रहा होगा, वो नहीं करते हैं। आपको एक एक जगह बांधेंगे तो दूसरे जगह पे वो छोड़ सकते हैं। आपको मैं उसका एग्जांपल मैं यहीं पे आपको दिखाता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो है छोड़ दिए होंगे, बांधे नहीं होंगे। लेकिन ये कॉन्ट्रेक्टर बहुत बढ़िया लग रहा है, एक भी जोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं है अभी तक, छोड़ा है लेकिन अभी इधर लिंक बार के साथ इसको बांधने वाला है। इसलिए जैसे ये आपको दिख रहा है सामने में, ये वाला सरिया जो दिख रहा है सामने में आगे, इसमें बांधा नहीं है, लेकिन ये लिंक बार जब लगाएगा उसके साथ में बांध देगा, इसलिए अभी नहीं लगाया है ये। आपको कैसा व्यू लग रहा है इसके अंदर समझिए, मैं इसके अंदर खड़ा हूँ फिर भी मैं इससे छोटा पड़ जा रहा हूँ। टोटल 2.5 मीटर का राफ्ट है ये, और इसके किनारे में जिसका हाइट है वो है 1.2 मीटर। मतलब आप समझ सकते हो कितना ऊँचा है, इतना ऊँचा मैं नीचे ऐसे कैमरा कर रहा हूँ तो वहाँ तक देख पा रहा हूँ, अदरवाइज इतना ऊँचा है ये। और इसमें पूरा इसमें फील किया जाएगा, कॉन्क्रीट भरा जाएगा, इसका ढलाई किया जाएगा। कितना इसमें टोटल जो है 230 m³ क्यूबिक मीटर जो है कंक्रीट का कंजप्शन होता है इस राफ्ट को फील करने के लिए। और भी कोई चीज़ है जिसको मैं इसके ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, तब मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर जाके। तो चलिए फिर से इस होल से मैं निकलने का कोशिश करता हूँ, तब तक के लिए एक बार और आप लोग फिर से एक व्यू देख लो इस राफ्ट के अंदर का कैसा दिख रहा है। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से बाहर और फिर ऊपर जाके आपसे बात करते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। बस इतना ही जगह है, सोचिए इसमें से मैं कैसे बाहर निकलूंगा, सर को भी निकालना है और पूरे बॉडी को भी निकालना है, कितना स्पेसिंग होगा इसका आप समझ ही सकते हो, फिर भी मुझे इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो गाइस मेरा सर बाहर निकल चुका है और फिलहाल आप देख सकते हो मेरा सर निकला हुआ है और मेरा पेट सब अंदर है और सर मेरा बाहर आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रहा है इससे बाहर निकलने में, फिर भी मुझे बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, तो मैं बाहर निकल के अब इससे फिर आपको बताता हूँ कुछ और। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ इससे, फिर बहुत जतन के साथ इससे बाहर निकलना हुआ है मेरा। तो अब दूसरा चीज़ आप चलिए आपको दिखाता हूँ, एक इसमें और एक चीज़ यूज़ किया गया यूनिक चीज़, जो कि आप लोगों को किसी को पता होगा, नहीं हो तो नहीं पता होगा लेकिन अगर पुराने हो तो आपको पता होगा। तो चलिए वो चीज़ कहाँ है, हाँ ये रहा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, ये जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कपलर। कपलर के थ्रू इसमें कपलिंग किया गया है, मतलब दो सरिये को, दो स्टील को, रॉड को जो है जोड़ा गया है। पहले क्या होता था ना कि ये दो सरिये को ऐसे नहीं जोड़ा जाता था, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के उसको लैपिंग किया जाता था, उसमें बाइंडिंग वायर से बांधा जाता था या फिर उसको वेल्डिंग किया जाता था। लेकिन अभी जो है हम लोग कपलर का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जो है स्टील बचता है और कटिंग होके वो जो डबल डबल लेयर चढ़ जाता था वो चढ़, उससे हम लोग सरिया को बचाते हैं। और जैसे कि 32 mm का सरिया रहता है तो, और लैपिंग भी होता था तो बहुत, ये ऐसा नहीं कि 4 mm 5 mm का लैपिंग होता है, लंबा लैपिंग होता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्टील का वेस्टेज होता है। तो फाइनली और आपको इसमें जितना भी मुझे पता था मैं आपको बता दिया हूँ। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वर्टिकल, इसको बोलते हैं, जिसको आप लोग पिलर भी समझते होंगे, जिस पे पिलर खड़ा होगा, ये रहा इसका वर्टिकल और इसी पे पूरा ब्रिज खड़ा रहेगा। और ये है उसका फाउंडेशन, किसी भी घर को बनाने के लिए उसका फाउंडेशन को मजबूत बनाया जाता है ताकि
घर मजबूत बन सके, उसी तरह ये ब्रिज बन रहा है। तो उसका फाउंडेशन पहले मजबूत बनाना पड़ेगा ताकि जो ब्रिज है वो अच्छे से बना रहे और गिरे नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी काम है। अगर कोई बाद में कोई घटना घटता है तो बहुत दिक्कत हो सकती है, किसी भी तरह का दुर्घटना ना हो, इसलिए हम लोग एक अच्छे फाउंडेशन को तैयार करने का कोशिश कर रहे हैं। और आप भी बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा ताकि और भी ऐसे ऐसे वीडियो को मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।